हेलो गाइस, आज के स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप जियो पोस्ट प्लस एप्लीकेशन में आप अपडेट नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करेंगे। देखिए, आप हमें जियो पोस्ट प्लस एप्लीकेशन कैसे अपडेट करनी है, कैसे करना होगा, वो सब मैं दिखाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पे देखिए, आपको प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप जियो पोस्ट प्लस एप्लीकेशन अपडेट करते होंगे, लेकिन आपको अपडेट नहीं हो रही है तो आप कैसे अपडेट करने वाले। देखिए, यहाँ पे जियो पोस्ट प्लस एप्लीकेशन में सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ चुका है लेकिन अपडेट हो नहीं रही है। देखिए, यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ मैं, अपडेट भी होगी लेकिन यहाँ पे बाद में अपडेट फेल लिख के आ जाता है तो अपडेट नहीं हो रही है। तो इसको आप कैसे ठीक करेंगे, आप कैसे अपडेट करेंगे, आप कैसे लेटेस्ट वर्जन भी यूज़ कर पाएंगे, वो सब दिखाने वाला हूँ मैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखिए, यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा। देखिए, फिर से अपडेट आ चुका है तो आप कैसे अपडेट करने वाले हो। देखिए, तो देखिए यहाँ पे सिंपली करना क्या है आपको, यहाँ पे फिर से भी आ चुका है, आपको बैक आ जाना है। देखिए, मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ। देखिए, आप फिर भी अपडेट नहीं हो रही है तो आपको करना क्या है, इसमें अपडेट नहीं करना है, यहाँ पे बैक आ जाने का है। यहाँ पे जियो पोस्ट प्लस एप्लीकेशन जो आपकी पुरानी है, जो देखिए आप पुरानी इंस्टॉल है पहले से, वो आपको अनइंस्टॉल कर लेनी है। देखिए, मैं आपको जियो पोस्ट प्लस एप्लीकेशन जो पुरानी है मैं अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, आपको भी अनइंस्टॉल कर लेनी है। देखिए, आप अनइंस्टॉल कर लेनी है इसको, तो बाद में आपको प्ले स्टोर में चले जाने का है। यहाँ पे प्ले स्टोर में ओपन कर लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करके आपको नई जियो पोस्ट प्लस एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। यहाँ पे बाद में देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे जियो पोस्ट प्लस एप्लीकेशन आपको पहले वाली हो अनइंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पे बाद में आपको प्ले स्टोर में चले जाना क्या है। यहाँ पे मैं प्ले स्टोर में सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको जियो पोस्ट प्लस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है, ऐसे न्यू वाली। देखिए, मैं इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है आपको। देखिए, मैं यहाँ पे जियो पोस्ट प्लस एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे ओपन कर लेनी है आपको। देखिए, यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है, आपको जियो पोस्ट प्लस एप्लीकेशन ऐसे इंस्टॉल करनी है आपको न्यू। आप ऐसे करेंगे तो ही आपका न्यू वर्जन अपडेट होगा, न्यू वर्जन आप यूज़ कर पाएंगे, बाकी और कोई रास्ता नहीं इसके वजह। देखिए, आप इसमें से ऐसे ही कर पा सकते हो। देखिए, आप ऐसे ही न्यू वर्जन, आप लेटेस्ट वर्जन कैसे ऐसे ही यूज़ कर पाएंगे, तो आप ऐसे ही आपको पुरानी वाली है वो अनइंस्टॉल करके न्यू प्ले स्टोर में इंस्टॉल कर लेनी है। तो देखिए, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं, आप ऐसे ही इंस्टॉल कर पाएंगे। यहाँ पे इंस्टॉल में करके ओपन कर रहा हूँ, आपको लाइव दिखाने वाला हूँ लेटेस्ट वर्जन कैसे यूज़ करने वाले हो। देखिए, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके, यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ जियो पोस्ट प्लस एप्लीकेशन। देखिए, यहाँ पे मैं ओपन का ऑप्शन रखिए, यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल देना है आपको, मैं आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड पहले से जो पुरानी वाली एप्लीकेशन है उसमें से आप लिख लेना है नोट में या किसी में, बाद में इधर आपको आईडी की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो आप आईडी इसमें फिर से आने वाली नहीं है, आपको यहाँ भी लिख लेना है नोटबुक में। तो आप ऐसे लिख के यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे देखिए, मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए, अभी पासवर्ड डाल देना है आपको। देखिए, यहाँ पे मैं आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करके अपना लाइव दिखाने वाला हूँ अपना जो जियो पोस्ट प्लस लेटेस्ट वर्जन कैसे यूज़ कर रहे हो। देखिए, यहाँ पे ऐसे आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यू अपडेट आ चुका है, यहाँ पे नए फंक्शन आ चुके हैं, यहाँ पे न्यू सब आ चुका है, सब चेंज हो चुका है। तो आप ऐसे ही अपना जियो पोस्ट प्लस एप्लीकेशन यहाँ पे अपडेट कर पाएंगे। यहाँ पे प्ले स्टोर में डायरेक्ट अपडेट नहीं होगा तो आपको पुरानी वाली डिलीट करके यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है और बाद में आपकी यहाँ पे इंस्टॉल न्यू वर्जन आप यूज़ कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे मैं अपना न्यू वर्जन आ चुका है, यहाँ पे सब चेंज हो चुका है। देखिए, तो आपको यहाँ पे न्यू वर्जन यूज़ करने के लिए आप इतना तो करना ही पड़ेगा। इसके वाला इसके मतलब कोई भी और ऑप्शन नहीं है, वही ऑप्शन है, ऐसे ही करना होगा। आप ऐसे करके ही अपने जियो पोस्ट प्लस एप्लीकेशन को न्यू अपडेट में ऐसे न्यू वर्जन में आप यूज़ कर पाएंगे। देखिए, तो आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेना और कमेंट भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसा वीडियो में लाता रहूँगा। देखिए, यहाँ पे न्यू वर्जन ऐसे ही आप अपडेट कर पाएंगे।